Hello everyone. Today we will study about the convergence of improper integrals. In last lecture we have studied different kinds of improper integrals. So here one by one we will check the convergence of those integrals. Firstly, if we have an improper integral of first kind, then say we have a function fx and we have to calculate integration from say a to infinity. Okay, then उसे हम लिख सकते हैं limit t tends to infinity a to t fx dx. Now this integral is a proper integral because limit भी finite हो गई, function भी bounded है हमारा, तो ये आपके पास proper integral हो गया. इसका हम integration करने के बाद हमने इसको limit tend करवानी है and but we can see ये either finite हो सकता है, infinite हो सकता है. तो अगर ये value हमारे पास फाइनाइट आ रही है, देन वी कैन ओनली से दैट दिस गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस. देन गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस. ओके, तो फर्स्ट काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल को इस तरह से चेक कर सकते हैं. और कैसा केस हो सकता है फर्स्ट काइंड में, से माइनस इन्फिनिटी टू बी जी एक्स डी एक्स, देन उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, से लिमिट कुछ भी ले सकते हैं, टी वन टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा टी वन टू बी जी एक्स डी एक्स. इफ इट कम्स आउट टू बी फाइनाइट, देन अगेन आपका गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करता है. ओके, इसी तरह से अगर आपके पास कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, जिसमें दोनों साइड आपको लिमिट दिख रही है, इनफाइनाइट लिमिट दिख रही है, जैसे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच एक्स डी एक्स. ओके, तो उसे आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे? उसे सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले एक फाइनाइट नंबर पे आपको उसे ब्रेक करना है. जैसे ए पे आपने ब्रेक कर लिया एच एक्स डी एक्स, और वो ए नंबर ऐसा होना चाहिए जिस पे फंक्शन आपका जो गिवन फंक्शन है एच वो प्रॉपरली डिफाइन होता हो. ओके, एग्जिस्ट करता हो. सो ये आपने उससे ब्रेक कर लिया फंक्शन. अब सिर्फ इम्प्रॉपर इंटीग्रल वो किसकी वजह से है, फर्स्ट इंटीग्रल इम्प्रॉपर किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ माइनस इन्फिनिटी, एंड सेकेंड इंटीग्रल इज इम्प्रॉपर बिकॉज ऑफ द लिमिट इन्फिनिटी. सो वही मेथड सेम रहेगा, से टी वन टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, सो ये आ जाएगा टी वन टू ए एच एक्स डी एक्स. ये सिंपल जैसे आपने इंटीग्रेशन सीखा है वही सिंप्लीफाई करना है इसको, फिर लिमिट ले देनी है उस पर, एंड लिमिट टी टू टेंड्स टू इन्फिनिटी ए टू टी टू एच एक्स डी एक्स. ओके, ये दोनों लिमिट्स आपने सिंप्लीफाई करनी है, और अगर आपकी वैल्यू कितनी आ जाए दोनों कंबाइन करके, अगर आपको फाइनाइट वैल्यू मिलती है, देन वी कैन से दिस गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस. ओके, अगर वो फाइनाइट आता है तो कन्वर्जेस दोनों केस में, अगर वो फाइनाइट नहीं आ पाता है तो हम बोलेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्ज करता है. करेक्ट.